भाई हो ना निका के, कुछ सोचो अगर इसकी ये शादी टूट गई, बनारस में कितनी थू-थू होगी। कोई शादी करेगा इससे? अगर ऐसा है तो अनिका की शादी होगी और आज ही होगी। शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। रुको, मैंने तो शादी इसलिए की थी गौरी से ताकि मैं प्लान बना सकूं और उसके जरिए उन सभी बुनकरों को अपना गुलाम बना सकूं। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता मॉम, मैं ये प्यार का नाटक करता रहूंगा। अब ये वीडियो हम गौरी को दिखा रहे, इसे देखकर वो घर जरूर छोड़कर जाए। ये फुलवरिया के बुनकरों को अपना गुलाम बनाने के पेपर्स हैं। वो एक बार इस पर साइन कर देंगे ना तो जिंदगी भर के लिए हमारे गुलाम बन जाएंगे। गर्ग जी, गौरी घबराओ मत, मैं आ गया हूं। गौरी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और तुम अंदर कैसे आई? भारी चिंता मत कीजिए, ये देखिए। जिसने भी हमें डिब्बे में डाला होगा उसकी पायल हमारी साड़ी में अटक गई। इसका मतलब इस घर में जो जो लोग भी पायल पहनते हैं उनमें से किसी के भी एक भी पैर की पायल गायब हुई तो समझ लो वही गुनेगा। मॉम, अपने पैर दिखाइए। हम इस घर की मालकिन हैं। इस दो टके की लड़की के लिए हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। शकू, पैर दिखाओ। गौरी, आज मैं बहुत खुश हूं। इधर आओ, इधर बैठो। और ये खुशी तुमने मुझे दी है। चलो, इस खुशी के बदले जो भी मांगना है ना, एक ख्वाहिश है। अच्छा, तो बताओ, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। हमें पढ़ाई पूरी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्यों पढ़ाई पूरी करनी है? कि हम पढ़ लिख कर और सशक्त बन सके, अपने सपनों को ऊंचा उड़ता हुआ देख सके, अपनी नई पहचान बना सके और आपकी तरह अंग्रेजी बोल पाए। तुम्हारा ये सपना मैं नहीं पूरा कर सकता गौरी। लेकिन गर्व जी, अभी तो लेकिन कुछ नहीं गौरी। मैंने कहा ना, मेरी बीवी पढ़ाई नहीं करेगी।
नमस्ते, हमारा नाम है गौरी। हमारी आगे की कहानी को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और देखते रहिए हमारा शो लाल बनारसी सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे सिर्फ नजारा टीवी पर।